डेफिनेटली देखिए हम बॉलीवुड से हैं और अब मैं टिकटॉकर्स को लेके टिकटॉकर्स हाउस बना रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट है दोनों तरफ से, टिकटॉकर्स और बॉलीवुड का मिलन होने जा रहा है। तो ये मिलन मैंने अपने शो में कराने की कोशिश की थी जो आज यहाँ पे साक्षात होने वाला है। जी जी नहीं नहीं आज टीम 07 को फाइनली ABA मंजूर हो गई, तो अभी हमारे रास्ते आसान हो गए और अभी हम फाइनली रेड कारपेट करके डेट अनाउंस करें। अच्छा, फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या टीम 07 दिखाई दे सकती है? फैंस है तो हम है और हमेशा हमको जिंदा रखते हैं ये फैंस, तो जब तक आप लोग जिंदा है हम लोगों को जिंदा रखे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, और साथ में महमूद सर भी है, कितना मिलना जुलना होता रहता है आप लोगों का? अभी टिकटॉक है तो रीवा है और रीवा है तो टिकटॉक हाउस है, तो बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। कितना सीख रही है अभी रीवा फिलहाल के? इसने जो एक महीने में ग्रो किया है डेफिनेटली एज एन एक्ट्रेस तो शी ग्रोड अ लॉट, लेकिन जो आफ्टर रूरी एक अलग पहचान मिली, एक अलग मकाम मिला और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैं टिकटॉक पे भी आकर धमाल मचाती हूँ। एंड शी क्रॉस हाउ मेनी मिलियन? 6.3 मिलियन इन वन मंथ। रीवा, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो 6.3 मिलियन पीपल आपको एंजॉय करते हैं, आपको देखते हैं और अडोर करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। एंड उरी 2 उरी 3 में वरुण धवन के साथ में देखना मुझे। वो उरी 2 नहीं होगी, वो पुल मामा होगी मोस्टली। ओ थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी अपन असली वाला बोलेंगे, ठीक है? अभी मैं करूंगी। अच्छा, आप करोगे, ठीक है, चलेगा। तो बहुत विजिट करते रहता बहुत बार, तो मेरे को ना यहाँ का एम्बियंस और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। एंड हॉप इज़ अ वर्ड एंड एक्शन प्रूव करता है वो, एंड दे कीप हॉपिंग या फ्रॉम दिस स्टाइल टू दैट स्टाइल, तो वो अच्छा लगता है, इन लोग का एम्बियंस अच्छा है। सो वी आर हियर आज उनकी एनिवर्सरी पे। अच्छा, हम कितना एंजॉय करते हैं ऐसे गेट टुगेदर और पार्टीज को स्पेशली? मैं तो वैसे पार्टी एनिमल नहीं हूँ, बट मैं कैसा काम के बाद है ना, मेरे को एक चिल्ड आउट प्लेस चाहिए जहाँ पे जाके मैं रिलैक्स करूँ। तो लेट्स सी, चल रहा है। ओके, और काफी सारे टिकटॉक स्टार्स भी यहाँ पर आ रहे, तो आपके करीबी दोस्त भी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? दोस्त लोग भी, सब लोग आ चुके, टिकटॉक वाले लोग भी आ चुके, तो देखते हैं। अभी अंदर वीडियोस नहीं बनाएंगे, दिन भर यही सब करते रहते हम लोग, तो अभी अंदर जाके सिर्फ मस्ती करने वाले और कुछ नहीं। अच्छा, इसी के साथ फैजू की टीम को बेल भी मिल चुकी है, उसको लेकर हैप्पीनेस अगर जाहिर करना चाहेगा? मैं तो वैसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि वी आर नो वन टू जज एनीवन, पहली बात तो ये, एंड ऊपर वाला बहुत बड़ा है, अगर हम कितना भी झूठ बोले लेकिन ऊपर वाले को पता रहता है कि कौन सच है कौन गलत है। एंड वी ऑलवेज सेड दैट वी ट्रस्ट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो करेगा वो सही करेगा, और सही हुआ है अभी जो भी हुआ। एंड रेस्ट तो हम लोग इनके लिए काम करते हैं, मतलब जो लोग हम लोग को देखते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच। आपने कंटेस्टेंट लिस्ट भी बताई थी कि जो रियलिटी शो होने वाले हैं उसमें ये दिखने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में ऐसी खबर आई है कि फैजू नहीं रियलिटी शो का हिस्सा होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा पार्ट इज द आइडिया वॉज माइन, एंड मेरे को कास्टिंग जो चीज़ है वो मेरे को नहीं पता है। एंड देयर इज अ इवेंट वी गन अ प्लान जो रेड कार्पेट होएगा, एंड उसके अंदर सब नाम डिस्क्लोज होएगा। ये सब जो था कि ये आ रहे वो आ रहे, दैट वॉज अफवाह, द रूमर्स यू कैन से, बट रियल जो लिस्ट बाहर होगी वो कुछ टाइम में, सो आपको वेट करना पड़ेगा। रीवा, क्या बोलेंगे हम लोग टिकटॉक ऑडियंस को? कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड वी लव यू ऑल। या एग्जैक्टली। एंड गाइज, मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि वी आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू प्रमोट पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी, तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं तो हम लोग कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच, आई लव।
क्या कहना चाहेंगे? आज अपने लुक से काफी डिफरेंट लुक में आए हैं आप। नहीं, ये काफी ऐसा होता है कि सुबह के वक्त जो है हम कोर्ट में रहते हैं वो व्हाइट शर्ट की हैबिट होती है, और शाम के टाइम पे असली चेहरा जो है सामने आता है हमारा, तो आज थोड़ा कलरफुल आया। और नहीं, ये एनी विच वे डेली का ही है, लेकिन डेली सब लोग को देखने मिलता है नहीं। बस और बताइए क्या लाइक देखिए, मैं जब एंटर किया यहाँ पे तो ये जगह इतनी हार्टनिंग है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे, और जिस तरह के सब लोग आए हुए देख के सब खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। एंड आई विश के HOP इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे, आगे बढ़े, और काफ़ी आज जितना क्राउड है ऐसा हो जाए कि यहाँ पे लाइन लगे और लोगों को टिकट्स भी मिलने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़े यहाँ पे। तो आई विश देम अ लॉट ऑफ सक्सेस इन ऑल दोस कमिंग डेज। आई विश देम हैप्पीनेस। अच्छा, काफी सारे टिकटॉक वाले भी यहाँ पर आए जो आपके करीबी दोस्त भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? मैंने आते हुए ही कुछ लोगों को यही पूछा कि सबके सब टिकटॉकर दिए यहाँ पे, तो मुझे सुनने में आया। अब मैं टिकटॉक पे तो एक्टिव हूँ नहीं, तो मुझे जितने भी लोग मेरे जान पहचान के हैं सबसे मेरी मुलाकात वगैरह हुई, और अभी और काफी लोगों से मिलना बाकी है, तो लेट्स सी। अच्छा, काफी सारे फैंस के भी आज कमेंट्स आए हैं जो फैंसों को प्रेयर मिली है, वो आप ही के चलते मिली है, तो कुछ कहना चाहेंगे उससे? मैंने काफी मीडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, और जो बोला था आज भी बोल रहा हूँ वो सच बोला था मैंने कि कुछ ठीक है, अभी वो चीज़ कंटिन्यू करूँगा। सिर्फ इतना मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, मुझे काफ़ी फैंस के मैसेजेस आ रहे थे सिंस 4 दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप मैटर में प्लीज़ जाना, वो बच्चे हैं, वो नादान है, उनको समझ नहीं है, सर आप बड़े हो, आप प्लीज़ संभाल लो उनको। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये फैंस की ही एक इच्छा थी और उनकी ख्वाहिश ही थी जो मुझे कोर्ट में खींच ले गया, वरना मैंने प्लान करके रखा था कि मैं नहीं जाने वाला। अच्छा, लेकिन ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि आप उनके लिए यहाँ बैठे और वो दुबई में एंजॉय कर रहे हैं। मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि मैं उनके फैंस के लिए गया था। आज ऐसा है कि एक फेवर तो मैंने कर ही दिया था कि उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया था, जिसकी वजह से वो लोग ऑफिशियली बाहर निकल सके। आज एक सेकंड फेवर कर दिया मैंने कि उनको बेली ग्रांट हो गई है, तो ये सब उनके फैंस के लिए है, और बहुत खुश है सब लोग। काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी कॉल आ रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच, इतना कुछ होने के बाद भी आप उनके लिए गए, उनके लिए खड़े रहे, तो आई थैंक यू ऑल के आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, तो मैं भी आपके लिए बहुत बहुत उसके लिए थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को। कुछ नहीं हुआ है, क्या मिलने वाला है इन रिटर्न आपको? नहीं, रिटर्न कुछ नहीं। देखिए, काफी ऐसा होता है कि एडवोकेट जो है जरूरी नहीं है कि हर चीज फीस लेके काम करे, तो काफी हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग नीडी आ जाते हैं कि सर अभी फिलहाल नहीं है, सर प्लीज कर लो, तो प्रो बोनो जिसको केसेस बोलते हैं, तो हम प्रो बोनो भी काम करते हैं। अभी ये जो केस मेरे पास आया था, अभी लोगों को ये लग रहा है करके ये ऑलरेडी मीडिया हाइप केस था, ये था अली काशिफ खान को फेम मिल गई है वो। मैं वापस एक व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अली काशिफ खान अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इससे पहले और अभी तक मैंने काफ़ी मीडिया केसेस हैंडल कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। तो टिकटॉक 07 का केस मैंने कोई मीडिया हाइप की वजह से नहीं लिया था, एक मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ इनको संभाल लो, तो वो एक ज़बान मैंने दिया था, तो आज वो ज़बान मेरी पूरी हो गई। तो आई एम ग्रेटफुल के टू द गॉड के ऊपर वाले से मैं शुक्र गुजार हूँ कि वो चीज़ जो मैंने ज़बान दिया था आज वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया सबको। मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप टिकटॉक बनाओ, सर आप टिकटॉक बनाओ। अभी मुझे एक बात बताइए कि मैं टिकटॉक बैन कराने की बात कर रहा हूँ, तो मैं टिकटॉक कैसे बनाऊँगा? अभी काफ़ी मेरे जो टिकटॉक के फ्रेंड्स हैं वो मुझे मिले थे, आमिर अरब से मेरी बात हुई थी। आमिर अरब को मैंने बोला था कि भाई अभी तू जल्दी से कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर ले, शिफ्ट हो जा, क्योंकि ये चीज़ तो अभी लिटिगेशन में आने वाली है, ऑलरेडी लिटिगेशन चालू हो चुका है, तो इससे पहले कि यहाँ पे कोई पाबंदी लगे आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पक्के कर लो, कल के चल के ये नहीं हो कि इफ यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू, थैंक यू, देखते रहिए डेली मसाला। पार्टी करना सब।
क्लबिंग करती थी लाइक एवरी वीक, बट जब से ये हुआ है उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ, लाइक सेकेंड टाइम कल गई थी, तो या आई एम एक्साइटेड. ये रोश और क्या बोलूँ, और टीम मेंबर्स, टीम नाम आपके और मेंबर्स भी है जो अंदर है. यस, वैसे तो एक्साइटमेंट बहुत है लेकिन अभी स्टार्ट है ना, एंडिंग में पता चलेगा कितना एंजॉय किया. टीवी का पता नहीं, बट मैं वेब सीरीज कर रही हूँ तो वो आई गेस एप्स पे आएंगे, तो आप लोग फ़ोन पे देखेंगे. सो या कंग्रेचुलेशंस. एक्चुअली मैं ज़्यादा अभी इस चक्कर में मिल नहीं रही हूँ, मैं बहुत कम बाहर निकल रही हूँ, बट अभी मेरी न्यू फ्रेंडशिप हुई है तीन नवाब से, तो बस. बस कुछ नहीं, एक महीना रह गया बस, आई रिकवर सून एंड आई बी बैक विथ माई बैश. घर पे ट्राई ना करें. Lastly, keep loving, keep supporting. We love you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so HOP ke anniversary par aaye, sabse pehle to kya kehna chahenge? It's a big celebration and it's our prestige to be here actually. और हम तीनों एक साथ आए हैं आज, और आप देख रहे हैं तीनों एक साथ हैं, black table बन के आए हैं हम लोग, और प्रीति ने थोड़ा सा change किया है which is purple. So yeah, let's see, we are hoping for the best. अच्छा, अक्सर जब साथ में आते हैं पार्टी सबसे कितने excitement रहती है, क्योंकि अगर आप काफी सारे लोग भी नजर आ गए तो हम सबसे नहीं मिल पाते हैं, ऐसे ऐसे मौकों पर ही हम लोग मिल पाते हैं, ऑफकोर्स हमें बहुत खुशी होती है, वी डू लॉट्स ऑफ फन टुगेदर. देखो मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सबके कपड़े देखने में, कि कौन क्या पहन के आया है, कौन क्या नहीं, कोई मुझसे अच्छा तो नहीं लग रहा. हाउ डे सम वन टू लुक बेटर देन मी एक्चुअली. एक्चुअली यह बहुत सारा मज़ा आने वाला है अंदर जाके, और लेट्स सी कौन क्या करने वाला है. आमिर अरब, या प्रीति ने बोल दिया है आमिर इज वेरी हैंडसम, एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ही इज वन ऑफ द बेस्ट टिकटॉकर ऑफ इंडिया एंड ही इज वेरी टैलेंटेड. वो तो पता नहीं, पर हम लोग जा रहे हैं हम तीनों को, तो फिर करेंगे एंजॉय ज्यादा हद से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा हम ही लोग करने वाले हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पार्टी में और अच्छा रहेगा, और वैसे भी हम लोग बाहर भी बहुत मज़े करते हैं, तो फिर पार्टी में तो फिर और ज़्यादा होने वाला है. जैसे कि आप लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वैसे ही हमारी भी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा. दो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ राखी. एक्चुअली फर्स्ट ऐसी बात है जिसके लिए हम लोग भी इतना एक्साइटेड, अदरवाइज हमें एक एक बात का पहले ही पता चल रहा है. मैरिज का हम लोग को पहले ही पता चल गया था, पर कौन है ये अभी तक हमें भी नहीं पता चला है. और जैसे कि अभी आप सब लोग नागिन 4 की कास्टिंग सीक्रेट है, वैसे इस वक्त सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो राखी के जो हस्बैंड है उसका चेहरा क्या है, वो सबसे बड़ा सीक्रेट है. सो अभी तक किसी को ये नहीं पता कि राखी के हस्बैंड कौन है. मैं जूते चुरा लूंगी. मैं आई एम फ्रॉम, एक्चुअली आई एम पंजाबी, तो मैंने तो बहुत देखो गिद्दा भंगड़ा डालना है, मैंने बहुत फन करना है, मैंने तो पहले ही बोला था. मैंने और वैसे हम लोग बहुत सेंशुअल जाने जाते हैं, मैंने बिकनी पहन के पहली बार कोई लड़की गिद्दा करेगी तो मैं बिकनी पहन के गिद्दा करूंगी. रिसेप्शन पार्टी में हम लोग कामा सूत्रा करने वाले हैं, लाइव कामा सूत्रा होगा राखी की रिसेप्शन पे. जब हम लोग इंडियाज गॉट टैलेंट में कामा सूत्रा कर सकते हैं, तो राखी की रिसेप्शन पे तो बनता ही. अगर व्हाई नॉट, थैंक यू सो मच. Thank you.
थैंक यू। कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा सबसे पहले, और मेरा दोस्त है मिनाज, उसका इवेंट है ये और वो यहाँ पर आया है और उसने मुझे इनवाइट किया है, तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड या मैन दैट्स इट। टिकटॉक नहीं, मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ टिकटॉक और सोशल मीडिया, सो यार मुझे, मैं मिलूँगा अंदर जाके, मैं जानता नहीं हूँ अभी। हाँ हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं, मैं अच्छा दोस्त हूँ यार, मैं मिलूँगा और मैं दोस्ती कर लूँगा अंदर जाके, तो अभी देखते हैं अंदर कैसे। मैं वैसे तो बहुत कम बाहर जाता हूँ, बट ये मेरे दोस्त का इवेंट है सो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू। सो HOP का जो एक साल कंप्लीट हुआ है, आज फर्स्ट साल गिरा है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, और बहुत खुशी है मुझे कि मुझे इस मौके पे इस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनने का जो है एक मौका मिला है, अवसर मिला है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर अविनाश हु इज द यू नो द होल एंड सोल ऑफ HOP हाउस ऑफ पार्टी एंड ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट टीम ऑफ HOP। सो मैनी मोर सच ईयर्स टू कम and my best wishes from the bottom of my heart that it prospers, you know, day in day out. Baar baar din ye aaye, baar baar dil ye gaaye, HOP jiye hazaron saal, ye meri hai aarzu. Happy birthday to you, happy first birthday to you, happy first birthday to you, HOP happy birthday to you. सबसे पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद की, और बड़ा बने और लोग इंजॉय करें, मस्ती करें, धमाल करें, फन करें, यही सब करते रहे, लाइफ में ज़रूरी है सब करना। कॉस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट इतनी नहीं है कॉस, हम ऑलरेडी मतलब मिलते जुलते हैं तो इतना ही मिलना जुलना है, बट पार्टी करना ये अलग बात होती है, वो अलग बात होती है, वो फन होता है उसमें, तो अभी आज फन ही करेंगे। लाइक सबसे ज़्यादा लाइक मैं तो चॉकलेट भाई हूँ, तो उस हिसाब से मुझे गर्ल फीमेल फैन फॉलोइंग ज़्यादा मिलती है। अवेश दरबार ना, ऐसे तो सबके पास अपना अपना यूनिक यूनिक टैलेंट है, बट मुझे ज़्यादा पसंद अवेश दरबार है, बिकॉज वो सब चीज़ कवर करता है, डांस, एक्टिंग, कॉमेडी, ड्रामा, एवरीथिंग। एक्चुअली मेहनत तो बहुत लगती है एंड वो लोग यहाँ तक आए तो उन्हें तो बहुत मेहनत की है, उनकी उनको मिली है बेल मिली है, तो उनको मुबारकबाद, मुबारकबाद आप लोगों को, बहुत खुश रहे, आगे बढ़े और इंजॉय करें, ढेर सारी वीडियो बनाते रहें, लोगों पब्लिक को एंटरटेन करते रहे, फैंस को ऐसी प्यार करते रहे, सपोर्ट आगे बढ़ाते रहे, सपोर्ट करते रहे, लव यू। Yeah. Yeah, first of all, I would like to congratulate HOP for completing 1 year, and I hope they complete many years like this, yaar, and wish you a very happy anniversary. Usually मैं करता हूँ पार्टी, enjoy करता हूँ, and Minaj who is handling this event, so he's a good friend of mine, so yeah, तो मुझे आना पड़ेगा, because I'm shooting tomorrow as well, so yeah, since he's a good friend of mine, so I have to come. नहीं, ये न्यूज़ आउट हो गई कि वो ऑफ ईयर नहीं जा रहा, हमारे शो को एक्सटेंशन मिल गया है, सो वी आर ऑन टिल दिसंबर, और
ये टेलीकास्ट मत करना, अभी पता नहीं आउट हुआ नहीं हुआ. बट या वी आर टेकिंग लीप, कितना लीप ले रहे हैं आइडिया नहीं है, बट या वी आर, दिस इज फॉर श्योर इट विल बी देयर टिल दिसंबर. एंड आगे देखते हैं यार, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं. अभी लास्ट एपिसोड होगा, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको आने वाले आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा. एक्चुअली मैंने पहले भी बोल दिया, अभी रिसेंटली जैसी न्यूज़ आउट हुई तो आई वेंट लाइव थ्रू इंस्टाग्राम एंड आई टोल्ड देम कि दोज हु वर आस्किंग मी कंटिन्यूसली कि ऑफ एयर जा रहा है नहीं जा रहा. सो इट वॉज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट बिकॉज नथिंग इन आर हैंड्स अंटिल अनलेस हमें चैनल से कुछ आएगा नहीं. सो या इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर द फैंस एंड द फैंस आर वेरी मच एक्साइटेड. आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस एंड दे आर लाइक एंड दे आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द फाइनल एपिसोड, फाइनल एज इन ये लीप से पहले वाला लास्ट एपिसोड के लिए. दे आर वेरी मच एक्साइटेड. सो आई होप यार हमारी टी आर पी बहुत रेज हो जाए, और जितनी एक्साइटमेंट फैंस दिखा रहे हो उतनी एक्साइटेडली हमारी टी आर पी भी अच्छी आए. सो फैंस को यही बोलना चाहूँगा, जिस तक देर इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. सो दिव्यरिस इज नॉट गोइंग ऑफ एयर फाइनली, एंड आप यही हमारा पिसाचिनी के साथ हमारी लड़ाई, दिव्य दृष्टि का प्यार, मेरा प्यार दृष्टि के साथ, दिव्या के साथ, रक्षित के साथ, और कंटिन्यूसली आगे देख सकेंगे टिल दिसंबर. और इसी तरह अगर आपका प्यार बरकरार रहा तो इंशाल्लाह हम दिसंबर से भी आगे जाएंगे. साल भर साल दिखते रहेंगे. बिकॉज थैंक यू सो मच. थैंक यू अनुराधा.